उधर देखो। हाँ देखे बाबू। आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा जोहार। मेरा नाम है रतनलाल मुंडा, रांची झारखंड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज का मौसम देखिए, काफ़ी ज़्यादा धूप है और अभी शाम हो चला है, अभी 4 बज चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंडा मेला देखने, जो कि मेरे ससुराल की तरफ है। तो देखते हैं कितने लोग वहाँ मेहमान आने वाले हैं, जितने भी लोगों से मिलेंगे आप लोगों को भी मिलवाएंगे और देखते हैं कितने लोग मिलने वाले हैं। और धूप तो काफ़ी ज़्यादा है, आसमान में हल्का हल्का बादल भी है लेकिन भी काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है। तो अभी हम लोग एक बाइक में जा रहे हैं, तीन लोग, मेरी वाइफ ममता जी जा रही हैं और मेरी बहन सपना जी जा रही हैं, तो हम लोग तीनों चलेंगे। तो देखते हैं कितना समय लगता है, हम लोग आज नया रूट से जाने वाले हैं तो रास्ता देखिए ना, ममता जी देखिए है तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि इधर से हम लोग बीच वाला रास्ता से जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे सीधा रास्ता से। करिया भूत जी सर, सच में हम भुला जाते अथी। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, बारी तक आ गए हैं, खेती से हम लोग के बीच रास्ता जा रहे हैं, अभी खेती वाला रास्ता से जा रहे हैं शॉर्टकट में, तो अभी नदी पहुंचने वाले हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर किस तरह से झाड़ी वाला रास्ता पर है और काफ़ी झाड़ी वाला रास्ता है, काफ़ी मुश्किल भरी रास्ता है लेकिन पार होके जाएंगे और बहुत ऊंचा नीचा है क्योंकि झारखंड में इस तरह का हर जगह पर ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत रहता ही है, तो रास्ता काफ़ी मुश्किल वाला है, तो इधर से ही हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों बाइक स्टैंड कर दिए हैं, ये रहा बाइक स्टैंड और एक बाइक का 20 रुपया यहाँ पर टिकट लग रहा है, तो ठीक है मीडियम इतना सा टिकट लगना ही चाहिए। और देखिए हम लोग के साथ में सभी लोग मिल चुके हैं और हम लोग सोचे नहीं थे कि इतने लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मेला में आए, देखिए आगे मेरी दीदी है, फिर चाची सास है, मेरी सासू माँ है और मेरी साली है। देखिए हाँ देखिए बाबू, बोलो बोलो सिखा के नहीं। तो दोस्तों मेला लग चुका है, ठीक हम लोग मेला के समय में ही आए हैं, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस अभी तक पूजा जो हो रहा है मड़े पूजा हुआ, उसके बाद देखिए जहाँ पर झूलन होता है यहाँ पर थोड़ा सा जितने भी भोगता और सोखता है सभी लोग थोड़ा सा नाच रहे हैं, इतना से झूमर नाचा जाता है, हर ये रीति रिवाज ही है। और देखिए इस तरह से मेला लगा हुआ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और चलिए आप लोगों को सामने से दिखाते हैं किस तरह से लोग नाच रहे हैं, भोगता सोखता है, इनको किस तरह से झुमाया जा रहा है, देख सकते हैं यही मंडा कुटा है, इसी में जितने भी भोगता सोखता है सभी लोगों को यहीं पर झुलाया जाएगा। और मंडा कुटा तो लगभग 25 फीट ऊँचाई होगा और शाम अभी जैसे होगी, जैसे सूरज अभी आसमान को दिखाए तो आसमान में बादल देख सकते हैं किस तरह से है, और बादल तो ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का बादल है लेकिन इतना में छाया हो गया है, यानी कि बहुत ही सुनहरा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। और जितने भी उपास प्यास के जो पुजारी लोग हैं, यानी कि जितना भी भोक्ता लोग हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट मौसम है, सबसे अच्छा मौसम। तो देखिए ऐसे मौसम में ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान मेहरबान है, यानी कि खुश हैं, ऐसा ही माना जा सकता है। इस तरह से मौसम है, ऐसा मौसम शायद ही कभी देखने को मिलता है, लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले पाट रानी और
गोसाई जो इसके मुख्य पुजारी होते हैं उसे पहले झुलाया जा रहा है, उसके बाद में झूलन शुरुआत हो जाएगा झूलन का। और देखिए जब तक झूलन होता है यहाँ का सबसे अच्छी चीज़ ये चीज़ लगा, देखिए झूलन का शुरुआत हो चुकी है। और ये जो गोसाई है यानी कि मुख्य पुजारी और सिर में देख सकते हैं पाठ रानी को लेकर के सबसे पहले झुलाया जा रहा है। और फूल जो गिरता है उसे कितना आस्था से लोग झुकते हैं आप लोग नीचे भी देख सकते हैं। और कहा जाता है कि जिन लोगों को ये फूल मिलता है उन लोगों को बहुत सौभाग्य होता है, और उन्हीं लोगों को फूल मिलता है जिन लोगों पर भगवान जो है मेहरबान होते हैं। और देख सकते हैं एक चक्कर हो चुका है, दूसरा चक्कर है, और यहाँ से ये फूल ऊपर से गिराया जा रहा है, गोसाई जो है फूल गिरा रहे हैं। और फूल की वर्षा होते ही सभी लोग नीचे फूल को रोकने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पैसे की भी बारिश हो रही है, पैसे भी फूल जैसा गिराया जा रहा है पैसा भी छीटा जा रहा है, यानी कि जितना पैसा दान किया जाता है उसे प्रसाद के रूप में गोसाई जो है लोगों में बरसा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ देख कर। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले पाठ रानी को झुलाया गया, उसके साथ में पीला वस्त्र में जो झूले हमको लगा थे वही गोसाई है, लेकिन गोसाई ये है। देखिए गोसाई दूसरा बार में गोसाई झुलाया जा रहा है, गोसाई द्वारा देखिए फूल की वर्षा की जा रही है और लोग किसी ने आस्था से फूल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही आधा घंटा बीता यहाँ पर देखते ही देखते मेला काफ़ी भीड़ होती जा रही है और झूलन भी शुरुआत होने वाला है। एक गोसाई और पाठ रानी को झूला जा चुका है और देखिए झूलन भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन लोगों को झुलाया जा रहा है। और यहाँ का सबसे अच्छी चीज़ ये लगा कि जब तक झूलन समाप्त नहीं होगी तब तक जितने भी भोक्ता है सभी लोग ये जो मंडा है मंडा खूटा का चारों तरफ परिक्रमा करते रहेंगे। तो ये चीज़ सबसे यहाँ पर अच्छा लगा, हर जगह कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों को झुलाया जा रहा है और गोसाई के बाद ये देखिए जितना भोक्ता है उन लोगों को झुलाने का जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और देख सकते हैं ये है मंडा और जितने भी यहाँ ये जो मंडा लगता है ये भगवान भोलेनाथ के उपलक्ष्य में लगता है और भगवान के उपासना करते हैं। और देखिए प्यारे प्यारे बच्चे फूल बरसा रहे हैं, फूल मिठाई और कुछ रुपए भी दान करते हैं और वो चीज़ बरसाते हैं। यहाँ पर दिखाया कि 50-60 भोक्ता होंगे जो लड़के हैं और बाकी लड़कियां जो होती है सुक्ताइन कहा जाता है उन लोग को झुलाया नहीं जाता है, वे सिर्फ ये मंडा खुटा का परिक्रमा करते हैं, उन लोग को पूजा सफल हो जाता है। तो यहाँ पर शायद कुछ हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों को झुलाया जा रहा है। और क्योंकि बच्चे देखिए जितने भी भोक्ता और सुक्ताइन हैं सभी लोग 7 या 9 दिन तक उपवास करते हैं, इसीलिए लोगों बच्चों को सबसे पहले झुलाया जा रहा है ताकि अपने उपवास तोड़ सकें और अभी उपवास नहीं टूटेगी। कहा जाता है कि यहाँ से झुलने के बाद में मड़ई पूजा किया जाता है, फिर वहाँ से फिर भोक्ता जो गोसाई जो होते हैं सबका व्रत तोड़वाते हैं।
तो दोस्तों हम लोग आए हुए काफ़ी शाम हो चुका है और अभी 6:30 बजने वाला है। देखिए इतना सारा भीड़ हो चुका है, यानी कि 6:45 झूलन जो है शुरुआत हो चुकी थी और झूलन को ही देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि इतनी कड़ी तपस्या के बाद, इतना कड़ी जो उपास करते हैं, जो प्रतिष्ठा लेते हैं, प्रतिष्ठान होती है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। और ये बड़ी प्यारा लगता है मंडा झूलन देखने के लिए। और यहाँ का मेला जो है झारखंड में इसी तरह का झूला जाता है। कहीं कहीं पर जो है ये जो झूल रहे हैं उसे कांटों में, जो पूरा शरीर में कांटा गोद कर झूला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है अपना जो है कपड़े द्वारा बांध करके झूला रहे हैं। तो इस तरह का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग तरह से लोग मानते हैं और मनाते भी हैं। तो यहाँ का मेला सबसे यूनिक इसी चलते लगा कि यहाँ पर बिना शोर शराबा के बड़ी अच्छी तरह से लोग मना रहे हैं। और कहीं कहीं देखते हैं कि थोड़ा सा भी गलती होने पर बाकी जितना भी उपास किए हुए लोग रहते हैं, यानी कि भोक्ता और सोक्ता, इन लोगों को बहुत ज़्यादा हानि होती है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मेला आए हैं तो शाम हो चुका है और हम लोग घर जाने से पहले देखिए चौमिन भी खा रहे हैं और गंगोत्री तो बड़ी अच्छा लगा। देखिए गंगोत्री खा के ख़त्म कर चुकी है और इसी का भी बाकी है। क्या हुआ इसी का, पूरा पसीना पसीना तीखा है, गर्मी लग रहा है। देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है और अभी हम लोग चौमिन होटल में है, यानी दुकान ही बोले, छोटी सी दुकान में अभी रुके हुए हैं। यहाँ से चौमिन उमिन खाएँगे, उसके बाद फिर घर की ओर चलेंगे। और जैसे कि आप लोगों को दिखाए मंडा झूलन समाप्त हो चुका है और अभी का समय अगर आप लोगों को बताएं तो समय हुआ है 7:06। दोस्तों हम लोग को मेला में काफ़ी शाम हो चुका है, बहुत रात हो गया, 8:00 है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और निकलते निकलते 2-4 बैलून बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, तो वही खरीदारी यहाँ पर हो रही है। तो चलिए अब घर की ओर चलते हैं, घर चलते हैं। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, अभी रात का 9 बज चुका है, हम लोग को आने में 1 घंटा लग गया। और वहाँ मेला में हम लोग सोचे नहीं थे कि इतने लोग से मिलेंगे, आप लोग को मिलवा भी नहीं सके, क्योंकि इतना कम समय था और सभी लोग इधर उधर हो जा रहे थे, तो आप लोग से डिटेल से यानी फुर्सत से आप लोग से बात नहीं करा पाए, दिखा नहीं पाए। लेकिन वहाँ मेरे ससुराल से बहुत सारे लोग आए थे और हमको लगता है 15-20 लोग से ज़्यादा ही लोग आए थे। काफ़ी अच्छा लगा सभी लोग से मिले, जितना हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये आज जो गए थे मंडा मेला देखने, इस मंडा को देखने का सबसे मेन कारण और ख़ास बात यह है कि मेरा जो साला है वो मंडा किया था और इसके साथ में मेरी जरसास है वो मंडा की थी, तो इसलिए आज का मंडा बहुत स्पेशल था। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को भी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जोहार।